हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर हिंसा की जांच में हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर सकता है। साथ ही इस मामले में पुलिस और एटीएस संयुक्त जांच कर रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और यह भी जानकारी मिली है कि इन्हीं खातों में सीएए और एनआरसी विरोध में हुए बवाल के दौरान भी फंडिंग की गई थी। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार पुलिस जो है वो अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और लगातार दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। साथ ही अब ये भी आपको बताते चले कि जो संवेदनशील कानपुर के इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही है। वहीं एक हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है जहां जांच में अब लगातार कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर विदेशों से भी फंडिंग की गई थी और ये भी अब निकलकर सामने आ रहा है कि इन्हीं खातों में सीए और एनआरसी के विरोध में जो भी बवाल हुआ था उसके दौरान भी फंडिंग की गई थी। औरैया के कोतवाली में तैनात एक होमगार्ड ने तिराहे पर शराब के नशे में जमकर हंगामा काटा। उसके इस करतूत ने एक बार फिर से खाकी को शर्मसार कर दिया। जानकारी के मुताबिक शिवपाल सिंह अजीत मल कोतवाली में बतौर होमगार्ड कार्यरत है। इस समय में उसकी ड्यूटी उप जिलाधिकारी अजीत मल के कार्यालय में चल रही है। बुधवार को होमगार्ड शिवपाल सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर तहसील में दुकानदारों से बदतमीजी की। उसके बाद होमगार्ड यहीं नहीं रुका और अजीत मल तिराहे पर जाकर शराब के नशे में चूर होकर जमकर हंगामा किया। वो शराब के नशे में धुत होकर राहगीरों के साथ भी अभद्रता करने लगा। इस संबंध में डिप्टी एसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और अब इसकी जाँच की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं खबर औरैया से सामने आ रही है जहां खाकी एक बार फिर शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। जहां शराब के नशे में धुत होमगार्ड ने बीच चौराहे पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान होमगार्ड इतने पर ही नहीं रुका, उसने राहगीरों के साथ भी जमकर अभद्रता की, जिसके तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से राहगीरों से उलझता हुआ भी नजर आ रहा है, राहगीरों से अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर आपको हम औरैया से बता रहे हैं जहां पर खाकी को शर्मसार करती हुई एक तस्वीर इस वक्त फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां शराब के नशे में धुत एक होमगार्ड ने बीच चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए राहगीरों के साथ अभद्रता की, राहगीरों के साथ बदतमीजी भी करता हुआ ये होमगार्ड नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब इस मामले का भी संज्ञान लिया गया है और लगातार अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो अब इसके जांच करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व और मौजूदा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान एएमयू प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों ने विरोध जताया है। राष्ट्रपति से नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मार्च के दौरान सैकड़ों की तादाद में एएमयू के कर्मचारी मौजूद थे। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया था। साथ ही सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अब उनकी गिरफ्तारी की मांग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठने लगी है। इस दौरान वहां पर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्र छात्राओं ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। एम्प्लाई हैं जो नॉन टीचिंग, टीचिंग और
रिटायर्ड सब लोगों ने मिलकर एक छोटा सा एक मार्च था, जिसमें एक मैसेज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो हमारे देश में आजकल एक सिचुएशन चल रही है उसके अगेंस्ट में, कि वो इस पर लो जो एक्शन लेना चाहिए था उनको लेना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी लें वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बेहतर है। ये ऐसा एक मुल्क है जिसमें थोड़ा दूर चलिए आदमी अलग तरह का मिल जाएगा। किस तरीके की डिमांड्स की है? क्या डिमांड तो बस बेटा ये है कि जो प्रॉपर एज पर लॉ एक्शन है वो करें। कितना समय मांगा गया है? हमने बेटा इसमें कोई समय में करने का, ये तो देवरिया में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और नकली दारोगा पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एसपी संकल्प शर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फर्जी दारोगा का नाम राम नगीना बताया जा रहा है। खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर नकली दारोगा पर प्राइम टीवी ने प्राथमिकता से खबर चलाई थी, वही अब इस मामले का संज्ञान रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एसपी संकल्प शर्मा ने लिया है और साथ ही अब जांच के भी निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि फर्जी दारोगा जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, उसका नाम राम नगीना प्रसाद बताया जा रहा है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद और प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद इस मामले का संज्ञान भी लिया जा चुका है और अब इस मामले पर कार्रवाई की जानी है। यह देवरिया जनपद में थाना रुद्रपुर का प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राम नगीना प्रसाद है, उसे अनाधिकृत रूप से पुलिस की वर्दी पहने हुए और कुछ अवैध गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया है। संबंध में संबंधित जो धाराएं हैं आईपीसी की, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी। बदायूं में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। म्याऊं ब्लॉक पर नसबंदी का ऑपरेशन कराने गई महिला का ऑपरेशन गलत हुआ और ऑपरेशन के तीसरे दिन मरीज की हालत बिगड़ गई। इसके बाद पति संजय कुमार ने डॉक्टरों को लापरवाह बताते हुए अपनी पत्नी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और यहां प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ए.के. वर्मा ने ही जानकारी दी कि महिला का ऑपरेशन गलत कर दिया गया है। मामले में अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पीड़ित पति ने कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ अपने यहाँ अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया था नसबंदी का। कहाँ? म्याऊ। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद में आँख बच हो गई। अच्छा, तबीयत खराब भाई, तबीयत खराब होने के बाद में आँख बच हो गई, मुझे पता लग गया बाद में। फिर उसके बाद में ए.के. वर्मा जी के पास पहुँचे, वहाँ से जिला अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पहुँचे उनके CMO साहब के पास, उन्होंने फटकार दिया हमें। CMO ने? हाँ। क्या बोला? ये बोला कि प्राइवेट क्यों ले गई। उसके बाद हम जिला अस्पताल से मतलब रेफर कर दिया था, वहाँ पहुँचे मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने ये किया था वो इमरजेंसी काउंटर पर कि हमारे पास तो सरकारी है, सरकारी की तरह इलाज होगा। उसके बाद हम आगरा ले गए, आगरा ऑपरेशन हुआ है, उसमें आँख बस निकली है। खबर बदायूं से सामने आ रहे हैं, जहां डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इस दौरान नसबंदी को ऑपरेशन कराने पहुंची महिला का डॉक्टरों ने गलत इलाज कर दिया, जिसके बाद जो पीड़ित पति है उसने अपनी पत्नी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया। वही अब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पीड़ित पति ने कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ए.के. वर्मा ने जानकारी दी कि महिला को ऑपरेशन गलत कर दिया गया था। तो बदायूं में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां इलाज के दौरान और ऑपरेशन के दौरान एक महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसकी जानकारी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देती हुई बताई कि महिला को ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है और यही वजह है कि उसको रेफर करना पड़ा। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित AMU में भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद AMU के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मांग करते हुए एक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ACM द्वितीय सुधीर कुमार को ये ज्ञापन सौंपा गया है और नुपुर शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। इसके साथ ही छात्रों ने कानपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार भी अब नुपुर शर्मा को ठहराया है।
दोनों जो एक बीजेपी की लेडी स्पोकपर्सन रघुबर शर्मा जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जो विवादित स्टेटमेंट था, हुजूर पाक की बेहरमती करते हुए स्टेटमेंट दिया, उसके अलावा लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते लोगों ने रोडों पर आकर अपने एहतजाज किया, अपनी बात रखने की बात की, उन्हें अरेस्ट करने की डिमांड की, लेकिन उस बीच में जो अनजान लोगों ने पथराव किया उसके बाद में जो कानपुर शहर का माहौल बिगड़ा उसमें देखा गया कि एक जाति के लोग एक समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और में से बेगुना बहुत से लोग नजर आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। हम चाहते हैं बेगुना को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। सबको मालूम है पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के एक स्पोक पर्सन ने एक नेशनल मीडिया पर आकर साफ साफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उल्टी सीधी बातें कही हैं उसके खिलाफ ये हमारा गुस्सा है और हम चाहते हैं कि वो जो नुपुर शर्मा है बीजेपी की स्पोक पर्सन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। नुपुर शर्मा के अरेस्टिंग के लिए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सजा हो, कम से कम। हमारी गवर्नमेंट राष्ट्रपति से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अपील है और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट के तलबा की अपील है कि अगर 24 घंटे में नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम धरना भी लगाएंगे। रायबरेली में महिला सुरक्षा को लेकर नवागंतुक एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूर्व स्थापित संसाधनों को बेहतर उपयोग को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में स्कूल कॉलेज के बाहर पहले में लगाए गए पिंक लेटर बॉक्स के रखरखाव समेत महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए टीम को नई ऊर्जा के साथ जुटने का आदेश दिया है। दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर स्कूल कॉलेज के बाहर पहले ही पिंक लेटर बॉक्स रखवाए गए थे। इसके पीछे की मंशा थी कि जो छात्राएं छेड़छाड़ की शिकार हुई वो अपनी पहचान छिपाकर इसकी शिकायत करना चाहती हैं तो वो इसमें चिट्ठी डाल सकती हैं। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के हम सब लोग अत्यंत गंभीर हैं और इसके लिए प्रत्येक थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। महिला थानाध्यक्ष स्वयं भी और अन्य महिला पुलिस बल, ये सब का सब इनको ब्रीफ किया गया है। ये लोग लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। गांव तक में हमारी रीच है महिला बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जहां वो हफ्ते में कम से कम दो बार वहां जाकर के महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती हैं और उनके उनकी उनके पावर के बारे में उनको बताती हैं और उनकी समस्याओं का फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।